निर्धारित समय पर यहाँ से अब वर्दी सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स यूटी लद्दाख और हमारे जनरल ऑफिसर कमांडिंग एट पोंटन डिवीजन जो कि आज के मेहमान खुसूसी हैं, साथ में हमारे जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स यूटी लद्दाख मोजेस कुंजम जी और डिप्टी कमिश्नर to do the honor. First position, Skarma Aitam Lanzos. Number 0046.
ऑडियंस से गुजारिश है कि आप लोग इनका हौसला बढ़ाए टॉप थ्री रनर 10 किलोमीटर थैंक यू जी मैडम बहुत अच्छा लगा और मैंने 5 किलोमीटर दौड़ा है। मैंने काफ़ी दिनों से बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, यहाँ पर बहुत अच्छी रिफ्रेशमेंट और बहुत अच्छा भी लगा मुझे यहाँ पर आकर। आपको क्या लगता है इस तरह के मैराथन जो है हमारे हेल्थ के लिए कितने ज़रूरी हैं और एक्सरसाइज कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है इस तरह का मैराथन हमारे लिए और एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हेलोकुम, मेरा नाम तबस्सुम फातिमा है। सबसे पहले मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं मुतहरी पब्लिक स्कूल बरू में क्लास 9 और अच्छा बहुत अच्छा फील कर रहा है क्योंकि पहली बार मैंने इंटरनेशनल मैराथन में पार्टिसिपेट लिया है। इसीलिए एक डेढ़ महीनों से मेरा मतलब ख़ास कर मैंने रनर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की इसलिए। जुले, मेरा नाम देचे नांगमो है और मैं फेडरेशन लद्दाख की को फाउंडर हूँ। हमें बहुत खुशी हुई कि हम इस मैराथन में हमने पार्टिसिपेट किया एज एन आर्टिस्ट। हमने डांस और डांस फिटनेस दोनों है प्रिपेयर किया है इस मैराथन के लिए। सुबह जब जितने भी रनर्स हैं जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके वार्म अप के लिए हमने जुम्बा डांस फिटनेस एरोबिक्स का प्रैक्टिस किया है, जो कि आज सुबह हम कर चुके हैं और कल भी हम करने वाले हैं। और अभी कल्चरल प्रोग्राम के लिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ने डांस प्रिपेयर किया है, मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल। हम आबिदा आफीन हैं, हम फेस्टेशन लद्दाख के साथ कोलैब कर रहे हैं। हम ईजीएम कॉलेज से, हमारे कुछ आधे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं और आधे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे फेस्टेशन के साथ यहाँ लद्दाख मैराथन करगिल मैराथन के लिए आए थे। तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा मिला। हम जो सोच के आए थे कि ले से कि यहाँ कैसा होगा, यहाँ हम कैसे वो करेंगे, कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे कि एस फिटनेस में जाए, कि फ़िटनेस में क्या क्या होता है, कैसे उनको अवेयर करें कि फ़िटनेस में सिर्फ डांस नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने फिट स्टेशन के साथ कोलैब करके हम यहाँ आए हैं। तो हमें यहाँ बहुत प्यार मिला है यहाँ से, करगिल से। तो हम बहुत एक्साइटेड है अभी कल्चरल प्रोग्राम के लिए। हमने बहुत सारे डांस प्रोग्राम तैयार की है, तो प्लीज़ देखने आइएगा। करगिल जैसे एरिया में आके फर्स्ट टाइम शायद आप लोग यहाँ पर आए हों, यहाँ पर परफॉर्म करना और लेह में परफॉर्म करना कितना डिफरेंस रहता है? तो लद्दाख में लेह हमारा ही सिटी है, तो वहाँ तो हम अपने ही क्राउड को जानते हैं कि क्राउड को कैसे क्या होता है, कैसे क्या हमें हाइप करना है। तो यहाँ पे भी हमने कोशिश की है कि लोगों को ज़्यादा हाइप करें कि कल्चरल प्रोग्राम ले, मॉडर्न डांस जो होता है ले का और जो बॉलीवुड डांस है, जैसे ज़्यादातर बॉलीवुड यहाँ नहीं होता तो हम उनको बॉलीवुड भी दिखा रहे हैं कि बॉलीवुड भी बहुत अच्छी तरीके से हम उनको दिखाना चाहते हैं कि उनको हाइप करें कि लाइक वो भी आए डांस करें हमारे साथ और उनका भी अपना कल्चर दिखाए हमें। और बहुत सारे हम ले से पहली बार आए करगिल तो हमें उनका ज़्यादातर कल्चर पता नहीं है, तो आई थिंक कि हम कल्चर एक्सचेंज भी करेंगे यहाँ। कल्चर एक्सचेंज की बात आती है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम 21st सेंचुरी में मॉडर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो हमारा लोकल जो ट्रेडिशन जो कल्चर है उसे हम भूल रहे हैं, क्या करेंगी? तो आजकल 21st सेंचुरी है, सो इसके लिए हमें डेवलप तो होना ही है। तो डेवलप के साथ हमें अपने हेरिटेज को भी बरकरार रखना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरे अपने कल्चर को छोड़ के मॉडर्न के पास ही चले जाएंगे कि हम तो मॉडर्न ही बनने वाले, अब तो वेस्टर्न कल्चर हम अपना ही लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमारे लद्दाख में ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे हम अपने कल्चर को बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व रखते हैं। हम जो भी टूरिज़म इसीलिए आते हैं कि वो अपना कल्चर देखने, मॉनेस्ट्रीज देखने, मस्जिद मस्क देखने और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ टूरिस्ट इसलिए अट्रैक्ट होता है कि हमने हेरिटेज अपना बरकरार रखा है। हम ऐसा नहीं है कि हम पूरा हेरिटेज अपना पूरा एंशियंट कल्चर छोड़ के पूरे मॉडर्न में जा रहे। हम मॉडर्न इसलिए दिखा रहे कि हम भी थोड़ा डेवलप्ड हो रहे हैं, हम भी हमारा भी मॉडर्न एक स्टैंडर्ड है। तो उस तरह से हम अपने हेरिटेज को भूल भी नहीं रहे। हमारा बहुत अच्छा ट्रेडिशनल डांस भी है यहाँ पे, तो वो देखना ज़रूर है। अफेक्टेड एरियाज़ के लोगों के लिए काम करता है यह 100% सोशल NGO है। बेसिकली कारगिल एक वॉर के नाम से, वॉर भूमि के नाम से ही जाना जाता था। तो
हमारा एक सपना था कि वहाँ पे कुछ ऐसे किया जाए कि वहाँ के लोगों को एक उसका वॉर भूमि की बजाय टूरिस्ट भूमि कैसे हो सकता है, तो वो एक प्रयास था। तो उसके लिए हमने बोला कि मैराथन अगर वहाँ करते हैं शुरू में तो एक बढ़िया उसको एक मौका मिल जाएगा, ताकि दुनिया भर के लोग वहाँ आएंगे और फिर उनको भी आजू बाजू का जो भी यहाँ पे अच्छा है, सीनिक है, वो देखने को मिलेगा। वो एक ये था, इंटेंशन था। उसकी वजह से हमने वो रेस चालू किया। ये रेस चालू किया तो चैलेंजेस तो थे, क्योंकि टेक्निकल पर्सन, क्योंकि मैराथन फर्स्ट टाइम हो रहा था कारगिल में, तो टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल सपोर्ट जो लगता है तो वो पहले नहीं था। मतलब ट्रेन करना पड़ता है सबको। अभी धीरे धीरे जैसे 6 मैराथन हो गए तो ऑलमोस्ट यहाँ का लोकल स्टाफ भी ट्रेन हो गया अच्छे से, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, लद्दाख पुलिस बोलो, काउंसिल हो या आर्मी हो, बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है उनका हमेशा। और उनके सपोर्ट की वजह से हमको भी जोश आता है कि बाबा यहाँ पे आके हम ऐसे मैराथन करें। और सबसे बड़ी बात, 6 साल का जो बदलाव है ये मैराथन का, आज सही मायने में ये इंटरनेशनल मैराथन हुआ है। आज के मैराथन में केनिया के पार्टिसिपेंट आए हैं, केनिया से लोग आए हैं, नाइजीरिया से कुछ लोग आने वाले थे पर वीज़ा का प्रॉब्लम हुआ ना, इन्होंने ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन किया था। तो ऐसे अपनी ये जो कारगिल मैराथन है ये दुनिया के नक्शे पे अभी चला गया है। जो एम्स जो इंस्टीट्यूशन है जो सर्टिफाई करती है मैराथन रेस रूट, आज उनके मैराथन कैलेंडर पे है अपना रेस, तो वो सबसे बड़ी बात है। इसमें एफिलेशन सब है, AFI का एफिलेशन है, और हमको तो ये सब करने का प्रोत्साहन जो मिला वो ये हमारे सरहद के फाउंडर प्रेसिडेंट जो है संजय जी नाहर, उनकी वजह से हम ये सब आज कर पा रहे हैं और हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी यूटी लद्दाख कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सरहद पुणे की तरफ से, और ये 6ठा एडिशन हो रहा है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और इसमें न सिर्फ हमारे देश के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, इसमें विदेशों से भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, इसमें लोकल बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट जो इंडिया की सिटीज़ हैं वो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अच्छा माहौल है। और ये स्पोर्ट्स के लिए और पेट्रोटिज़म दोनों के लिए एक अच्छा मैसेज यहाँ से जा रहा है। तो मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि जो भी इसमें ऑर्गेनाइज़र हैं और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी की तरफ से हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह की कंपटीशंस को और भी ऑर्गेनाइज़ करें और बच्चों में एक स्पोर्ट्स को लेके एक एंथुजियाज़म हम लेके आएँ, जिससे कि हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकें। सर, जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि नया यूटी, नया लद्दाख यूटी बनने के बाद स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में क्या क्या काम हो रहा है सर, और फर्दर स्पोर्ट्स पर्सन को एक एश्योरेंस कि वो अगर अपना खेले तो एक हर किसी के पीछे एक बेनिफिट होता है, तो उस बेनिफिट को इंश्योर करने के लिए क्या कर रहे हैं सर? स्पोर्ट्स को लेके जब से यूटी बना है तब से हमारी 28 के करीब जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन वो रजिस्टर हो गई हैं, और हमारे बच्चे हर एक स्पोर्ट्स में नेशनल चैम्पियनशिप हो या और कोई भी कंपटीशन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं लद्दाख यूटी के नाम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एस्ट्रोटर्फ का निर्माण हो या मल्टीपर्पज़ स्टेडियम का निर्माण हो, इन सभी के ऊपर काम चल रहा है, बच्चों को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और जो भी बच्चों की रिक्वायरमेंट्स हैं स्पोर्ट्स को लेके उसको दिया जा रहा है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स इंसेंटिव पॉलिसी और स्पोर्ट्स में जॉब देने के ऊपर भी काम चल रहा है, उसकी पॉलिसी भी ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जैसे जम्मू कश्मीर ने अभी लॉन्च किया उसी तरह हम भी अपनी पॉलिसी को फाइनल कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्समैन को पूरा सपोर्ट किया जाएगा, चाहे वो जॉब्स के बारे में बात हो या इंसेंटिव की बात हो या बाकी जो भी फैसिलिटीज़ की बात हो, अपनी तरफ से यूटी की तरफ से हम पूरा स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सर, जिस तरह स्टेडियम की बात करें तो अगर आप कारगिल में देखा जाए तो एक क्रिकेट स्टेडियम है सर, अभी हम खड़ा है सुल्तान जो स्कूल, यहाँ पे हर कोई इवेंट इसी भी किया जाता है सर, पोलो में जो फेस्टिवल हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, तो क्रिकेटर को बड़ा डिस्टर्ब पड़ता है सर, उसको लेके आप लोगों ने क्या सोचा, क्रिकेट के लिए स्टेडियम अलग से बनेंगे सर? हाँ, इसमें मेरे पास भी एसोसिएशन से बात आई एक दो बार, तो इसमें काउंसिल के साथ बात करके हम इसमें कोई सोल्यूशन निकालेंगे जिससे कि क्रिकेट डिस्टर्ब ना हो और बाकी गेम्स भी चलते रहें, तो इसके लिए एसोसिएशन से बात की जाएगी और काउंसिल से, जिससे कि फ्यूचर में सभी गेम्स को बराबर मौका मिल सके। जैसे बताया गया कि 6 एडिशन है तो काफ़ी आपने देखा आज काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसमें कुछ इंटरनेशनल मैराथन रनर्स भी है और देश के बहुत अलग अलग एरियाज में इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे लद्दाख रीजन से भी लोग, लेह से भी कुछ लोग आए, कारगिल से, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे कारगिल के बहुत सारे रनर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत खुशी है कि जो पहले साल से जब इसको स्टार्ट किया गया तो आज इसमें बहुत बड़ा इसने रूप धारण किया है, और हमारा यही आशा है कि आगे
ये मैराथन और आगे बढ़ती जाए, उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट हो और कारगिल का एक नाम, एक ब्रांड बने इंटरनेशनल लेवल पे। सर एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि जहाँ हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं स्पेशली इसी ग्राउंड में किए जाते हैं, तो आने वाले वक्त में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए और कारगिल के अंदर इस ग्राउंड को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह के स्टेप लिए जाएंगे? जैसे अगर मैराथन अरेंज करना होता है, इंटरनेशनल मैराथन, उसके कुछ स्टैंडर्ड है जो होता है, तो उसको देख के लोकेशन को चूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि मैं मैराथन के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, मैं सारी व्यवस्था होनी चाहिए, उसको देख के ये लोकेशन चूज़ किया जाता है। तो आपने दूसरी चीज़, हमारी कोशिश रहेगी बाकी एरियाज़ में हम कैसे कैसे अलग अलग स्पोर्ट्स के माध्यम से हम कैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे, उसमें पार्टिसिपेट करे और वहाँ स्पोर्ट्स का बढ़ावा और इसी एरिया के लिए डेवलपमेंट के लिए भी प्लान्स को भविष्य में इसको इम्प्लीमेंट करने का हमारा इरादा है।